जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत अपने जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनको ड्रोन किलर में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे भारत के द्वारा जो पुरानी गन्स हो चुकी हैं, जो लगभग रिटायरमेंट की एज में पहुँच चुकी हैं, उनको एक नई लाइफ प्रदान की जा रही है, और भारत ने एक सोची समझी रणनीति के तहत खुद की जो देसी ड्रोन किलर्स हैं उनको बनाना शुरू किया है। हम जानेंगे कि ये कितने इफेक्टिव हैं और कौन कौन सी गन है जिसको बेसिकली ड्रोन किलर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि चीन के द्वारा हाल ही में तमाम प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के जो ड्रोन्स हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं, और निसंदेह चीन उनको जो भारत से निकटवर्ती बॉर्डर्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय भी करेगा। और इसका मतलब ये है कि भारत के लिए जो थ्रेट है वो लगातार बढ़ रही है, और भारत अगर उसको काउंटर करना चाहता है तो भारत को अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। और इसके लिए जो एडवांस ड्रोन सिस्टम है वो तो ज़रूरत उनकी ज़रूरत तो होगी ही होगी, लेकिन जो ड्रोन किलर्स हैं ये भी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसके उलट अगर हम भारत के ड्रोन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो भारत का ड्रोन प्रोजेक्ट है इस समय अपग्रेड और डेवलपमेंट के उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। भारत ने प्रोजेक्ट शीता को इनिशिएट किया है, जिसके अंतर्गत इजरायली हेरोन मार्क वन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाना है। इसके अलावा भारत के जो इंडिजिनस ड्रोन है जिसमें आर्चर, तापस BS-201 और घातक जैसे जो ड्रोन से ये अगले 3 से 4 वर्षों का टाइम लेंगे वास्तविकता को प्राप्त करने में, और उसके बाद ये भारत के डिफेंस इकोसिस्टम पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे फंक्शन करता है और भारत कैसे इनके डेवलपमेंट को फास्ट करता है और इनको ऑपरेशनलाइज करता है। खैर, अगर अपने आर्म फोर्सेस की बात करें तो उन्होंने चीन के अनमैन एयर व्हीकल का जो एडवांटेज है उसको कम करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है, और भारत का जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है उसमें चीन के ड्रोन्स की एंट्री भी अब मुश्किल हो सकती है, और उसके पीछे काम करेगी भारत की ये एक जोरदार रणनीति। हम इंडियन एयर स्पेस को इसलिए कॉन्टेस्टेड बोल रहे हैं क्योंकि भारत ने वहाँ पर हैवी रडार डिप्लॉयमेंट करके रखा है, जिसकी वजह से सर्वेलेंस है वो काफ़ी तगड़ा है, और चीन के जो ड्रोन है वो भारत के एयर स्पेस में इजीली एंटर नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा वहाँ पर स्वीडिश L-70 और सोवियत इराकी ZU-23MM क्लोजन वेपन सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, जो कि एयर डिफेंस का काम करते हैं। इन गन्स को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड भी मिल रहे हैं, और इन लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे साजो सामान की सहायता से एक उन्नत ड्रोन किलर में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब अगर हम L-70 गन के अपग्रेड की बात करें तो इसके अपग्रेड में आपको इलेक्ट्रिकल सर्वो ड्राइव, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम और वीडियो ट्रैकिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इसे काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और इस समय इंडियन आर्मी के पास 1000 से ज़्यादा जो L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं इन्वेंट्री में वो मौजूद हैं, और उनको चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड भी किया जा रहा है। और इस अपग्रेड की जिम्मेदारी जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इस अपग्रेड प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, उनके कंधों पर है, और सेना को बहुत जल्दी ये जो गन्स हैं फुली अपग्रेडेड मिलेंगी, ताकि सेना किसी भी विषम परिस्थिति में इनका इस्तेमाल कर सके। हालांकि हमने पहले भी अपने इंग्लिश चैनल पे L-70 गन अपग्रेड के बारे में वीडियो बनाई हुई है, और इस हिंदी चैनल पे भी हम उसमें वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं ZU-23 के बारे में, जिसको हम ZU-23 भी कहते हैं। हम इस गन अपग्रेड के बारे में जानेंगे कि ये गन कितनी ज़्यादा घातक है और क्यों इंडियन आर्म फोर्सेज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ZU-23 जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, ये बेसिकली इसमें 2 23mm के ऑटो कैनन्स को माउंट किया जाता है एक स्मॉल ट्रेलर में, और इन्हें स्टेशनरी माउंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि फायरिंग पोजीशन में इसको लाया जा सके। और ऐसी पोजीशन में, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो टायर्स हैं ये किनारे मुड़ जाते हैं। इन ऑटो कैनन्स को काफ़ी जल्दी तैयार किया जा सकता है। अगर हम मार्च पोजीशन से फायरिंग पोजीशन की बात करें तो उसमें सिर्फ 30 सेकंड का समय लगता है, और ये गन पूरी तरीके से फायर करने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी की स्थिति में इन्हें ट्रैवलिंग पोजीशन पर भी फायर किया जा सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी USP है। और ये काफ़ी इफेक्टिव वे में जो ड्रोन्स हैं या दूसरे लो एल्टीट्यूड टारगेट्स हैं उनको ईजिली हिट करने में सक्षम है। इस गन का जो ओरिजिन वर्जन है उसको मैन्युअली एम और मैन्युअली फायर करना पड़ता था, और इसके लिए ZAP-23 ऑप्टिकल मैकेनिकल साइट का इस्तेमाल किया जाता था, और उसकी जो ऑटोमेटिक एमिंग कैपेबिलिटी थी वो भी काफ़ी लिमिटेड थी। और अगर एमओ की बात की जाए तो इस गन में जो एमिनेशन बॉक्सेस हैं वो 2 इस्तेमाल किए जाते थे, और एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से जो एमिनेशन है वो इस गन तक पहुँचता था, और प्रत्येक एमिनेशन बॉक्स में तकरीबन 50 राउंड होते थे, और इसमें 2 जो बॉक्सेस हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि प्रत्येक जो बॉक्स है उसको फायर करने के बाद, जो कि तकरीबन 100 राउंड्स के टोटल फायर होते थे, इनकी बैरल इतनी गर्म हो जाती थी कि उनको चेंज करना पड़ता है, और इसके लिए बाकायदा ये जो पूरा सिस्टम है इसमें स्पेयर बैरल्स को वहाँ पर कैरी किया जाता है, ताकि बैरल हॉट होने की कंडीशन में उनको रिप्लेस किया जा सके।
तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस अपग्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसा होगा और उसके आने के बाद कैसे इनकी कैपेबिलिटी इन्हेंस होगी। तो इन गन्स को अपग्रेड करने की जो जिम्मेदारी है वो पंच लॉयड को दी गई है, जो कि इन मैकेनिकल सोवियत तरह गन्स को जो कि 1950 के दशक में बनाई गई थी फुली ऑटोमेटिक सिस्टम में अपग्रेड करेंगे। प्लान तो ये है कि तकरीबन 468 की संख्या में गन्स अपग्रेड करी जाएंगी और इन मैनुअल लेड गन्स को टोटली आर इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो कि ऑटोनोमस फंक्शनैलिटी के साथ में आएगा उसमें अपग्रेड किया जाएगा। इससे होगा क्या कि इनकी जो एरियल एंगेजमेंट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी और ये आसानी से टारगेट्स को डिटेक्ट भी कर सकेंगी और उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकेंगी। न सिर्फ एरियल टारगेट बल्कि इनकी नज़रों से इनके हमले से जो ग्राउंड टारगेट्स है वो भी नहीं बच पाएंगे। अब अगर हम ग्रेड की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें हर प्रकार के कंडीशन में टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी डस्ट या रेन जो प्रोटेक्शन है वो इसको प्रदान किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। इसके अपग्रेड का सबसे अहम हिस्सा होगा इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला रगेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम, जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा इजी करेगा और इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा वो आसान बना देगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये डे एंड नाइट दोनों प्रकार के कंडीशन में फायर करने के लिए तैयार होगी। फिर चाहे इसे आप डेजर्ट में डिप्लॉय करें, माउंटेंस में डिप्लॉय करें या प्लेन्स में डिप्लॉय करें, यह हर तरह के कंडीशन में हर तरह की परिस्थिति में यूज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इसमें जो फीचर्स ऐड किए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डे एंड नाइट कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर, डिस्टर फायर कंट्रोल कंप्यूटर। इसके अलावा और भी कई सारे अपग्रेड्स हैं जो इस गन को दिए गए हैं और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर्स की है। इस रेंज में ये जो गन है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है और इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेज को इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और चीन से बॉर्डर्स में इनको डिप्लॉय भी किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के बारे में कि कैसे उन्हें ड्रोन किलर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।